गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पोएम नंबर 22, वीरों का कैसा हो वसंत, इसके कुछ पार्ट देखेंगे। सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए, सही जोड़ मिलाइए, पर्यायवाची विरुद्धार्थी। फर्स्ट देखें, प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बार बार कौन गरजता है, इसका आंसर होगा उदधि। सेकेंड, दिग दिगंत क्या पूछ रहे हैं, इसका आंसर लिखेंगे वीरों का वसंत कैसा हो। नंबर थ्री, अनंग क्या लेकर आ पहुंचा, आंसर लिखेंगे मधु। मिलने कौन आए हैं, आंसर लिखेंगे आदि अंत। छंद कैसा नहीं है, आंसर लिखेंगे बिजली भर देने वाला। नेक्स्ट देखें, विकल्पों की सही जोड़ मिलाइए। कंत वीर देश वेश में है क्योंकि, इसका आंसर लिखेंगे उसे वीरों के वसंत में रुचि है। नेक्स्ट, अतीत को मौन त्याग कर बताना चाहिए कि, इसका आंसर लिखें वीरों का वसंत कैसा होता था। नेक्स्ट, आदि अंत मिलने आए हैं क्योंकि, आंसर लिखेंगे आदि अंत मिलने आए क्योंकि उन्हें वीरों का वसंत देखना है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्राची पूर्व दिशा, उदधि समुद्र, दिग दिशा, मधु सहद, वधु बहु, वसुधा पृथ्वी, अतीत भूतकाल, विधान पद्धति, मौन चुप्पी, घमंड अभिमान। नेक्स्ट हेडिंग देखें, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। यहां देखें, प्राची प्रतीची, अतीत वर्तमान, अभिमानी निराभिमानी, वीर कायर, वसंत पतझड़। इसके बाद में हम देखें एक प्रकार से जो शब्द हैं यहाँ पर, कि निम्नलिखित वाक्यों में से भाव और संज्ञा बताइए। वीरों की सुरवीरता हम सबको सदैव प्रोत्साहित करती रहती है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, जो भाव संज्ञा है यहाँ पर, वह है सूरवीरता। वीरों को अपने शौर्य पर पुरस्कृत किया जाता है, यहाँ भाव संज्ञा ढूंढनी है, तो यहाँ पर जो शौर्य है वो उसकी भाव संज्ञा होगी। नेक्स्ट देखें, विशेषण बनाइए। वसुधा के अंग अंग पुलकित हो उठते हैं, यानी यहाँ आंसर होगा पुलकित। इसके आगे देखें, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वीरों का वसंत कैसा होता है, यहाँ ऐतिहासिक यह इसका विशेषण होगा। विद्यार्थी मित्रों, इसको बारी बारी से देखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।